हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग चुस्त तंदुरुस्त होंगे खाना पीना खा के। तो यार, एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड का ये जो एक और नया एपिसोड है, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड मोबाइल में, पीसी नहीं है, मोबाइल का गेम है। तो ओके, आज का जो एपिसोड है गाइस, इसके अंदर हम लोग जो है बनाने वाले हैं दो स्पेल्स। ओके, दो ब्रू स्पेल्स हम बनाने वाले हैं, एक एनर्जी वाला और एक हीलिंग वाला। वो इसलिए बिकॉज कुछ एपिसोड्स के बाद मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है उस आइस की जगह पे डायरवुल्फ को टेम करने जाना है। एंड मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं कपड़े बनाता बैठूँ, तो आई थिंक मैं ये स्पेल्स ही यूज़ करने वाला हूँ। तो अब सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेल्स को जो है बनाने के लिए आपको ज़रूरत है इन रेसिपीज़ की। अगर आपके पास रेसिपीज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो मैंने खोल दी, जस्ट स्क्रीनशॉट खींच लेना दोनों इसके रेसिपीज़ के। तो नोट नहीं होगा तो चलेगा, रेसिपी है, याद भी रख लो, लिख लो कहीं पे, ब्रेन अच्छा होगा, रोज बादाम खाते होंगे तो ऑब्वियसली याद भी रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चाहिए कुकिंग पॉट। ओके, और ये मेरा कुकिंग पॉट भाई बहुत सड़ चुका है, इसका पतीला वतीला ख़राब हो चुका है बिकॉज मैंने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया। एंड ये जो है गाइज, आपको 8 लेवल में मिल जाएगा एक्चुअली। ये देखो, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट आई मीन परफेक्ट सजेशन, 8 लेवल पे बराबर मैंने बोला, मिल जाता है 8 लेवल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुकिंग पॉट है, तो अभी क्या करते हैं, पहले अपन देखते हैं। तो अब बताओ भाई कौन से इसको बनाए। तो ये नहीं, ये ओके, हम इसी को बनाते हैं। पहले एनर्जी से शुरू करते हैं क्योंकि ताकत जो है चल रहा, मैं भूल गया। ओके चलो, अभी रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत है ये अजुल बेरी की। बड़ा नाक में से नाम लेना पड़ता है भाई इस बेरी का, अजुल बेरी। ओके, जो भी है, मेरे को सही से नाम नहीं पता, एंड सॉरी, मैं हमेशा बेरीज के नेम गलत लेता हूँ बिकॉज बहुत डिफिकल्ट नेम है। ऐसे नेम मैंने अपने किताबों में नहीं पढ़े भाई, तो कैसे यार ले सकता हूँ। तो चलो, इसके लिए हमने बेरीज ले ली, नीली वाली है, समझ लो नीली वाली, ज़्यादा लोग बोलेंगे आई थिंक, समझ लो नीली वाली, स्टीमुलेंट ऐसा कुछ तो था, भूल गया मैं वो भी भाई। ये वीडियो से पहले ही मैंने नाम भी सोचा था, मतलब देखा था, अब मैं भूल गया वापस, कोई बात नहीं, होता है यार, ऐसी चीज़ें उसी ज़माने में होती थी, इस ज़माने में नहीं होती, इसलिए ऑब्वियसली याद नहीं रहता। तो आप जो है वाटर बैग जो है दो भर लेना, स्कूल वाली वाटर बैग नहीं, ये वाली वाटर बैग जो इस गेम में, ये मैंने दो भर ली। अब मैं क्या करता हूँ, एक डाल देता हूँ इसके अंदर, स्टीमुलेंट याद आया मेरे को नाम, मैंने देखा नहीं कहीं, मेरे को अब भी याद है, स्टीमुलेंट नाम है इसका। तो आपको क्या चाहिए, आपको वो ब्लूबेरी चाहिए, स्टीमुलेंट चाहिए, एंड आपको चाहिए वाटर। एंड अभी फ्लैश की स्टाइल में मैंने फटाफट वुड भी तोड़ लिया क्योंकि अभी जो फायर देना है, एंड ऑब्वियसली इसमें गैस तो होता नहीं है, तो चलो इसको अभी देते हैं हम लोग फायर। तो चलो फायर स्टार्ट करते हैं, लाइट फायर किया मैंने, एंड यहाँ पे देख सकते हो कुकिंग शुरू हो चुकी है, 26-28 सेकेंड कुछ लगते हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, एंड 3-2-1 बूम, रेसिपी रेडी है। तो चलो खोलते हैं, टेस्टी तो नहीं लग रही पर पीने की वाली चीज़ है, और हर पीने वाली चीज़ टेस्टी नहीं होती, कुछ होती है जिसको समझ में आया, ठीक है। तो चलो, ये भी चीज़ हो गई है। अब देखो, ये जो स्टैमिना है गाइज मेरा, ये जो है इसको वो ब्रू जो है वो काम करेगी, मतलब स्टैमिना अगर मेरा कम होता है तो वो जो ब्रू फिल करेगी इसे। एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप न्यू सर्वर में खेल रहे हो, अगर आप डायरेक्टली न्यू प्लेयर हो ना, तो 8 लेवल के बाद ही एक्चुअली जर्नी शुरू होती है, तो इसे बना लेना क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो जाती है बहुत बार, एंड मेरी एनर्जी तो बहुत है इसमें गेम में, तो इस वजह से मेरे को इस स्पेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस हीलिंग बनाने वाला था, लेकिन सोचा चलो ये भी बना ही देता हूँ, तो क्या चार चीज़ें आपको भी सीखने मिलेंगी। तो चलो, अभी मैंने देखो वाटर लिया, ये लाल बेरी ली, ये लिया वुड तो ऑलरेडी था, हाँ नार्कोटिक की ज़रूरत है ना हमें, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलप्स ऑफ नार्कोटिक, तो 14-15 जितना हो सके ले लो, सारे डाल दो जितने चाहे, लेकिन ये कुकिंग पॉट बड़ा ईमानदार होता है, ये दो ही लेगा आपसे, मतलब दो ही लेगा, एक्स्ट्रा का चार्ज ये नहीं लगाते सर। तो यहाँ पे कुक हो रहा है, वेट करते थोड़ा सा फिर से, एंड 3-2-1 बूम, फिर से एक बार बन चुका है। तो ये देखो, ये फिर से बन चुका है, बहुत प्यारा प्यारा हमारा,
ये बेकार की चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ेगी मेरे को। ये देखो ये दो तो बन चुके हैं, ये बाकी चीज़ें कुछ काम की नहीं है, सारी हटा देता हूँ मैं पहले, फिर बाकी मैं बाद में देखूँगा। अभी ये दोनों देख लो आप, ये एनर्जी और ये हीलिंग। भाई एनर्जी ही भाई, ये क्या हो रहा है यार। ओके वेट, तो ये एनर्जी और हीलिंग ये दोनों है अभी मेरे पास। अभी मैं इनको यूज़ भी करके बताऊँगा, हालांकि हीलिंग वाला बताऊँगा, एनर्जी वाला का मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ हुआ तो ठीक है। तो हीलिंग वाले के लिए मुझे करनी होगी खुदकुशी। तो पहले ऊपर जाते और फिर एक बड़ी सी जंप मारते, एंड ऐसी चीज़ें करने में। एंड भाई स्कूल के टाइम में यार बस पेंसिल तोड़ने में, पेन तोड़ने में से कतई बहुत मज़ा आता था, ऐसे बस यू बीच में से पकड़ो कट करके तोड़ दो। तो भाई जस्ट लाइक दैट मेरे को ऐसी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है, ऐसे जंप भी मारो भाई, ऊंचाई से जंप मारो भाई, ये करो वो करो, प्लेयर्स को यूं उड़ा दो, तो ऐसी चीज़ें मेरे को बड़े मज़े लगते हैं। तो चलो ये हीलिंग जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करती है। तो ये मैंने खाई जंप, बस इस तरीके से कभी यूज़ मत करना कि खुदो और ये करो। तो यहाँ पे आप लाइफ देखो, मेरी लाइफ अभी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही मैं अभी ड्यू का सिप करूँगा, देखो मैं सिप कर देता हूँ एंड देखो बूम, ये देखो कितनी फास्ट हो रही है। तो ये आपको 40 जो है हीलिंग प्लस करके देगी, जितनी भी आपकी लाइफ हो 240 होगी तो 280 हो जाएगी, कैपेसिटी से बाहर नहीं होगी, इतना याद रखना। अगर लाइफ 280 और आप उसके बाद मार रहे हो तो कुछ नहीं बढ़ने वाली, तो जस्ट 40 लाइफ प्लस होगी, कैपेसिटी के बाहर नहीं होगी। बट तो अभी भाई मैं आपको एनर्जी ड्रिंक भी करके बताता हूँ, एनर्जी ड्रिंक ही बोल रहा हूँ भाई, पबजी के सस्ते नशे हो रहे। तो ये हाँ ये जो ड्रिंक है देख लो भाई, इससे भी बढ़ रहा है। तो मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मेरा जो एनर्जी का ये स्टैमिना लेवल है वो हाई है, तो इस वजह से मेरा स्टैमिना बहुत जल्दी रिलोड हो जाता है, जगह पे रुकते मैक्स 2 सेकंड में मेरा रिलोड हो जाता है। उसलिए मैं सिप भी करूँगा तो भी आपको कुछ दिखेगा नहीं, बहुत फास्ट फास्ट में हो गया। अगर स्लो मोशन में करना है तो एक बार देख लो स्लो मोशन में वो क्लिप होता है, यूज़ दोनों होते हैं, 40-40 जो है प्लस करते हैं वो लोग, लेकिन स्टैमिना का यार मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेरा लेवल ही नहीं है, मतलब उतना लो वो स्टैमिना का एक्चुअली लो लेवल में आप कर सकते हैं। तो होप्स हो गई आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो आज के एपिसोड में बस यही बताना था, दिखाना था मतलब आपको कि कैसे, एंड अब मैं भी बना के रखूँगा, अभी एपिसोड ख़त्म होने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ बनाने को, थोड़े से बना के रखता हूँ क्योंकि आगे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमको। एंड गाइज यार नेक्स्ट एपिसोड जो है ना उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, ज़रूर देखना एपिसोड, बिकॉज कुछ खास अपन बिल्ड करने वाले हैं उसके अंदर, तो ज़रूर एपिसोड देखना। एंड हो सके तो उसको भी भाई लाइक भी कर देना, आपसे हो पाएगा आई थिंक, लाइक करना तो फ्री है, तो देखो यार हो सके तो कर लेना। तो चले मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।